इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में की गई गुस्ताखी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले युवराज शर्मा उर्फ संत युवराज के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी और अन्य मौलवी मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि विगत कुछ वर्षों से भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में, जहां सभी धर्म वर्ग जाति के लोग निवास करते हैं, एक सोची समझी साजिश के तहत सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के उद्देश्य इस्लाम धर्म के संस्थापक आखिरी हजरत मोहम्मद की शान में अभद्र टिप्पणी कर मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत कर देश में अशांति का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से अभी हाल ही में हिंदू सेना के अध्यक्ष युवराज शर्मा उर्फ संत युवराज निवासी ग्राम सगरा जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश के द्वारा वीडियो वायरल कर इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई है, जो आपत्तिजनक है। अगर उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता तो समुदाय के लोग सड़क पर उतर कर पुरजोर विरोध करेंगे। आइए सुनाते हैं शहर काजी ने क्या कहा है। बताया जी, एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई? आज मुस्लिम समाज की तरफ से मस्जिद के सभी इमाम यहां पर हाजिर हैं और समाज के दूसरे लोग भी जिम्मेदारान यहां पर मौजूद हैं। आज हम लोग माननीय एसपी साहब के सामने समक्ष इसलिए आए थे कि आवेदन देने के लिए कि जैसा कि अभी हमारे मुल्क का ये माहौल हो गया है कि जिसको भी थोड़ी सी पॉपुलरिटी चाहिए वो इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर की शान में फ़ौरन गुस्ताखी करने निकल पड़ता है, और ये मामला कई बार हो चुके हैं। हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं। अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले युवराज शर्मा उर्फ संत युवराज के नाम से एक व्यक्ति है जो मथुरा का रहने वाला है, उसके खिलाफ कई प्रकरण भी दर्ज हैं, यहाँ तक कि रेप का प्रकरण भी उसके खिलाफ दर्ज है। और उस शख्स ने अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपने फेमस मशहूर होने के लिए इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, और यहाँ तक उसने कहा कि जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, वो सब के सब तलवार ले लें, तलवार ले करके निकल जाएं। और उसके साथ ये भी कहा कि गृह मंत्रालय में इसकी सूचना दे दी गई है, यानी सभी लोगों को लड़ने के लिए, तलवार रखने के लिए और मजहबी लड़ाई अपने मुल्क में कराने के लिए उस शख्स ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। हमारी एसपी साहब के समक्ष आकर के हमने आवेदन ये दिया है कि अगर इसके खिलाफ एक हफ्ते के अंदर कोई FIR कायम नहीं होगी, इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो फिर मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर कर और इसका पुरजोश एहतजाज करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।